छतरपुर में सुजारा डैम से उत्तर प्रदेश का पानी मध्य प्रदेश के धसान नदी में छोड़े जाने से किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई है। लोगों को पानी के बीच से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टीकमगढ़ के सुजारा बांध से यूपी के हिस्से का पानी छोड़ने से हरपालपुर के गांव कैथोकर, सरसेड़, चपरन और मुडेरी में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। इस इलाके में इतना पानी भर गया है कि खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गई है। डैम का पानी धसान में बढ़ने से गांव में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को 5-5 फीट पानी के बीच में से निकलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति पहली बार नहीं बनी है, ये हर साल ऐसी स्थिति इस गांव में बनती आ रही है और गांव के किसानों के साथ ऐसा होता आ रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक बात कहकर चुप हो जाता है कि वह इन किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। समस्या है कि पिछले 2-3 साल पहले भी भर दिया था पानी, पूरी फसल डूब गई थी, कुछ नहीं मिला इसमें, और अब भी बीज कहीं से दूसरे के यहाँ से ले रहे, खाद की व्यवस्था बना रहे, अब ऐसे भर दिया उन्होंने पानी, पूरी फसल नष्ट है। अब बताओ कहाँ से हम किसी को दूसरे को बीज भी देना है, हमें कहाँ से कैसी व्यवस्था बनाएंगे। ये समस्या है पानी भरेगा फसल में। कहाँ से आ गया ये पानी? सुजारा बांध से। कितनी फुट आपकी फसल डूब गई खेतों में? फसल डूबी 3-4 फुट की लगभग। क्या बोया था आपने खेतों में? कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान हो गया वही 40-50 हजार रूपए। में भी ऐसी कई 2-3 बार घटनाएं हुई है बांध सुजारा से बांध छोड़े जाने पानी छोड़े जाने पर कुछ क्षेत्र डूब में आ जाता है। सामान्यता जांच में पाया गया है कि किसान जो डूब क्षेत्र की भूमि खाली होती है उसमें फसल बो लेते हैं, उसी में वापस पानी भरने से क्षति होती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।